हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोहित सोनी तेनालीरामा से मनी धनी मनी आपका गुरु तथा चार्य का शिष्य। बहुत बुरा लग रहा है बाहर ये जानकर मुझे कि ये हमारा शो ऑफ एयर हो रहा है 13 नवंबर को। जब से सुना है तब से मन नहीं लग रहा, क्योंकि इस शो से हमें बहुत बड़ी पहचान मिली। धनी मनी को लोगों ने प्यार दिया, आप सबने उसको सराहा, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सबका। बट बहुत दुख हो रहा है कि हमारा ये सुहाना सा सफर है वो कंप्लीट हो गया। हमने 800 कुछ एपिसोड कंप्लीट किया, 4.25 साल की जर्नी रही है इसमें हमारी, और बहुत सारी खट्टी मीठी यादें मेरी इसमें जुड़ी रही, क्योंकि हमने इस शो को करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इस कैरेक्टर को जीने के लिए मैंने खूब मेहनत की और उसका रिजल्ट भी मिला। धनी मनी को बहुत प्यार मिला, पूरी टीम को बहुत प्यार मिला, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है बहुत दिल से मेहनत करती है, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, ऑल कैरेक्टर वेरी गुड एक्टर। तो देखो, ये सारी चीजों से हमें अपने प्यार हो गया था। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये सब चीजें जो मैं पहनता था रेगुलर, आधा आधा घंटे इसको पहनने में शुरुआती वक्त में लगता था, ये चीजें हैं। आज ऐसा एक वक्त आ गया कि इसको हम खुद पहनना, ऐसे हम जान गए थे, खुद ही पहन लेते थे। पहले ड्रेस ज्यादा लगते थे, कान के ये बुंदे हो और ये सर पे लगाने वाली ये चीज हो, ये देखिए मैं इसको ऐसे करके इन्हों लगा लिया करता था। मतलब ड्रेस वालों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, कई बार लगता था कि खुद ही कर लेते। और घर की तरह माहौल हो गया था तेनालीरामा के सेट पर, और मैं कई बार सेट पर रुक भी चुका हूँ जस्ट स्टार्टिंग वाले पीरियड में। तो कसम से बहुत दुख हो रहा है मुझे जानकर कि इतनी जल्दी ये सफर पूरा हुआ ये, और अच्छा ये सफर जा सकता था आगे और चलता जाता, बहुत सारे शो चलते हैं ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को जितना मंजूर था, कहते हैं जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, तो उतना चला तेनालीरामा। और धनी मनी का प्यार जो है वो आप सब देते रहे मेरे हिस्से का हम सबको, पर दुख है बहुत, इस चीज का दुख है, क्योंकि मैंने मेरे को कई बार छोटे लग गई। देखिए आप देख रहे हैं भाई, एक निशान होगा ये निशान, मतलब सेट पे शूट करते वक्त नहीं, शूट करते वक्त तो कई बार नाखून निकल गया, कई बार स्किन डिजीट हो गए बालों को, हम रेगुलर बनाते थे, पर ये मेरा मस्ती करते हुए, हम सेट पे मस्ती कर रहे थे, एक ड्रेस दादा मेरे पीछे भागा और मैं भी उसका चश्मा लेके भागा, तो एकदम से वो RCC की रोड थी सेट पर, और एकदम से मैं बहुत स्पीड में भाग रहा था, बहुत स्पीड में वो पैर की जो धोती है ना ये आगे आ गई और एकदम से मैं बहुत बुरा गिरा। तो इसको लेके, इस जख्म को लेकर मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई ऑफ नहीं लिया, और इस पे ऐसे इस तरह से मैं कपड़ा लगा के मैंने कंटिन्यू शूट किया, क्योंकि मुझे काम में मजा आता था, मुझे छुट्टी पसंद नहीं है, शुरू से बिजी माइंड पसंद है, कुछ अलग अतरंगी करने की आदत है, शुरू से क्रिएटिव माइंड है मेरा। बट तो पता नहीं क्यों बहुत दुख हो रहा है कि इतनी जल्दी ये शो कैसे कंप्लीट हुआ। बट बहुत अच्छा सफर रहा, पंकज मीरी जी के साथ, कृष्णा भारद्वाज जी के साथ, संजय मंगलानी के साथ जो मेरे को एक्टर धनी बनते हैं, और सारे कैरेक्टर जो अम्मा हैं, शारदा हैं, गुंडप्पा हैं, या जो नई कास्ट आए लीड के बाद जितने भी लोग आए, और बहुत मौका दिया नए नए डायरेक्टरों जी के साथ काम करने के, नए नए डायरेक्टर्स के साथ, नीरज पांडे जी, कुशल अवस्थी जी, मान सिंह जी जो हम जिन्होंने सेटअप किया, मतलब जितने अटेंड, रूपाली मैडम का थैंक्स, अभिमन्यु दादा का थैंक्स, क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बड़ा कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर दिया, जिसको मैंने बहुत बखूबी जिया। और सबके साथ प्रिंस जी हो हमारे, HOP साहब, या पूरी टीम तेनाली की, मैं एक नाम लूंगा तो बहुत अच्छे अच्छे सारे लोग हैं, क्रिएटिव दीक्षित कौल जी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो सबका प्यार मिला, सबका आशीर्वाद मिला, छोटे का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पर अब तो लगता है कि ये सफर पूरा हो गया, कब किससे कहा मुलाकात, इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, मुलाकात जल्दी होगी, बट मुझे बहुत बड़ा भी काम मिल जाए, बहुत अच्छा मैं अलग कैरेक्टर में आप सबको नजर आऊं। बट मैं मनी को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मनी ने मुझे मनी भी दिया और मुझे मुंबई रुकने का एक अच्छा मौका दिया इसने। पहले मैं फरीदाबाद से मुंबई आता था और एक दो दिन का या कैमियोज या कुछ स्टोरी करके चला जाता था, स्पीच नहीं करती था, तो जो कंटिन्यू रुकने का बहाना दिया उसने तेनालीरामा ने दिया, इस मनी चार्य ने दिया। तो मैं जिंदगी में, अपनी लाइफ में, कहते ना पहली चीज कोई नहीं बोलता, पहला प्यार कोई नहीं बोलता, पहला घर कोई नहीं बोलता, तो मैं पहले, मैं और भी कैरेक्टर किए हैं कंटिन्यू, लेकिन ये जो डिफरेंट में पहला मनी का किरदार, सब TV का पहला प्यार, सब TV के साथ जो मेरा रिश्ता रहा वो हमेशा ऐसे ही रहे, और मैं
उनके साथ काम तो करूंगा ही हमेशा, बट जो सब टीवी ने ये वाला जो प्यार दिया मनी के रूप में मुझे प्ले करने का एक कैरेक्टर दिया, वो प्यार हमेशा याद कर रहे हैं मेरे जहन में। तो बस अभी 13 नवंबर तक हमारा शो है, लेकिन आप सोनी लीव पे हमेशा देख सकते हैं तेनाली रामा, धनी मनी को भी हमेशा देख सकते हैं। और बहुत जल्दी हम अब मेरे बाल आ जाएंगे, बालों के रूप में अब कहीं नजर आएंगे। बट ये हाँ, मैं चाहूंगा कि तेनाली रामा दोबारा से आए, इसका सिक्वेंस आए और तेनाली रामा फिर से ऐसा कुछ आ जाए तो मैं फिर से गंजा होने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि 3.5 साल पौने 4 साल से मैं रेगुलर गंजा होता था। 10-15 दिन स्टार्टिंग में वो आया था सलून वाला गंजा करने, लेकिन वो कट लग जाता था ऐसे ऐसे करके गई अस्तुरे से। फिर मैं खुद ही सीख गया, मुझे किसी ने राय दी कि रेजर से करो, तो अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि सुबह उठते मैं फटाफट से खुद रेजर कर लेता था और क्लीन होके ही सेट पे मेकअप करके जाता था। ताकि अब ये सारा जो गेटअप है, ये सब इन सबको बहुत मिस करूँगा। मतलब बहुत अच्छा वक्त बीता मेरा तेनालीरामा में 3 साल, सबके बीच सबसे मस्ती करना, सेट पे हमेशा हंसना हंसाना, हरकतें करना। कहाँ करूँगा, नए सेट पे होगा, बट इस सेट की यादें तो हमेशा जिंदा रहेंगी मेरे दिल में, क्योंकि बहुत ही क्लोज ये मेरे कैरेक्टर है मनी चारे, जो गुरु जी की गुरु जी, तो बड़ी मस्ती की इसमें हमने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।